जिनका टाइम कम होता है वो लोग काफ़ी बार पूछते रहते कि भाई टाइम होने का कारण क्या, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अभी तक तो ठीक चल रहा था, मगर पिछले 6-8 महीने से मेरा टाइम कम हो गया है, जल्दी गिर जाता है। और फिर वाइफ खुश नहीं होती है, खुश रहती नहीं है, क्योंकि फिर आप टिकते नहीं हो, जल्दी गिर जाता है, वीर्यपात जल्दी होता है, फिर अलग होना पड़ता है, क्योंकि फिर इरेक्शन निकल जाता है, टाइटनेस निकल जाता है, और फिर वाइफ असमाधानी रहती है, फिर वो चिड़चिड़ी करती है, उसका समाधान नहीं होता है, फिर लोग पूछते हैं इसका कारण क्या है। तो टाइम कम होने का कारण क्या, हम देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। टाइम कम होने का कारण एक तो है कि ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है कुछ कारण से, मतलब कोई समझो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है या सेंसिटिविटी बढ़ गई है अननोन रीज़न से, मतलब कुछ कारण ही नहीं है, इडियोपैथिक, तो उससे हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। यदि आप बहुत बैठा बैठा काम कर रहे हैं तो उसके वजह से टाइम कम हो सकता है, जल्दी गिर जा सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करो, चलने का व्यायाम करो, और स्पेशली कीकल्स एक्सरसाइज करो, जिससे पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो टाइट हो जाएंगी और जिससे गिरेगा नहीं। कीकल्स एक्सरसाइज क्या होती है, इसके बारे में मेरा अलग वीडियो है। दूसरा है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, शराब पीना और सिगरेट, इससे भी टाइम में बहुत असर हो जाता है, तो ये भी हमने टालना चाहिए। तीसरा जो है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ मेंटल इलनेस है, जिसके वजह से टाइम कम होता है। चौथा जो है एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, और डिप्रेशन एंग्जाइटी रहे तो टाइम कम हो जाता है। तो ऐसे ये चार, पांचवा कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप, आपकी नींद कैसी है। अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 घंटे सोना चाहिए, और जिनका स्लीप इरेगुलर है और जो कम सोते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम हो गई मतलब प्रतिकार शक्ति जो है वो कम हो गई, तो फिर अलग अलग बीमारियां हो सकती है, और उससे भी टाइम पर असर पड़ता है। सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि एक जल्दी गिरने की आदत। क्या होता है कि हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जिसको प्राइवेसी नहीं है वो क्या करते हैं कि संडास में, बाथरूम में कहीं भी हस्तमैथुन कर लेंगे, स्नान करने के पहले हस्तमैथुन कर लेंगे, जल्दी हस्तमैथुन करेंगे तो क्या होगा, उसके एक आदत सी बन जाती है कि जल्दी इरेक्शन करना, जल्दी हस्तमैथुन करना, तो एक कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट और एक कारण है कि जल्दी करना है क्योंकि कोई आ जाएगा, बच्चे उड़ जाएंगे, कोई पकड़ लेगा, तो जल्दी आ जाओ, कोई आने वाला है, थोड़ा सा टाइम है तो जल्दी जल्दी करो। तो ये बार 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 जल्दी सेक्स करेंगे और जल्दी गिराएंगे तो जल्दी गिराने की एक आदत सी हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि जिससे आपको ये टाइम कम हो जाता है, टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके लिए हम बोलते हैं कि भाई नहीं, एवरेज टाइम जो है वो 5 मिनट 40 सेकंड का, ऐसा अलग अलग स्टडीज़ में पाया गया है, 5 मिनट 40 सेकंड। तो उसमें आप स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक मास्टर्स एंड जॉनसन का टेक्निक है, वो वापर सकते हैं, उसका मेरा अलग वीडियो है। कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे SSRI ग्रुप की दवाइयाँ हैं, वो दवाई हम देते रहते हैं कि जिससे टाइम में फ़र्क पड़ता है। फिर उसमें ट्राईसाइक्लिक्स जो ग्रुप है वो दवाइयाँ काम करती है, बेंजोडाइजेपिन्स दवाइयाँ काम करती है, और फिर सिल्डानाफिल, टाडानाफिल जो है वो, ये दवाई से क्या होता है कि जल्दी गिर भी गया समझो तो सेकंड टाइम करने के लिए सहायता होती है, और फिर सेकंड टाइम उसका जरा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो ये भी आप लेते तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। ये डेफिनेटली ऐसा कर दे तो ये जो जल्दी गिरने का है या टाइम कम होने का कारण जो है वो निकल गया, तो आपका टाइम बराबर रहेगा 5 मिनट 40 सेकंड एवरेज। फिर वो 4 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। यूजुअली इंटरकोर्स जो है वो 20 से 30 मिनट चलता है, और इंटरकोर्स मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करना, उसको इंटरकोर्स नहीं बोल रहा मैं, पूरी सेक्शुअल एक्टिविटी। और उसमें हो गया कामक्रीड़ा, पहले फोर प्ले, जिसमें फोर प्ले में हगिंग, किसिंग करना, क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना, फिंगरिंग करना, फिर इंसर्शन, इंसर्शन के बाद में फिर आफ्टर प्ले। तो ये पूरा का पूरा टाइम 20-25 मिनट का होता है, और ये करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी औरत को अच्छा लगेगा और वो सुखी समाधानी रहेगी। औरत को इंसर्शन करने में और सेक्स करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं, उसको ज़्यादा मज़ा फोर प्ले और आफ्टर प्ले में आता है, और आदमी को ज़्यादा मज़ा इंसर्शन में आता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली सेक्स अच्छा हो जाएगा और दोनों भी खुश रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में
मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।